ये हो गया बल्ब ये हो गया सेल और ये हो गया स्विच बल्ब सेल और स्विच और ये वायर है अब ये स्विच ऑफ है ये जो स्विच दिख रहा है ये अभी ऑफ सिचुएशन में है इसको हम अगर इस तरह से कर दें स्विच ऑन करते हैं तो ये सट जाएगा सट जाएगा तो ये स्विच ऑन हो जाएगा स्विच ऑन होते ही क्या हो जाएगा करेंट फ्लो होने लगेगा इसमें अभी जो करेंट फ्लो होने लगेगा स्विच ऑन होने पर वो कैसे होगा वो हम लोग थोड़ा देखते हैं तो ये ये जो मेटल है ये मेटल वायर है ये सेल से लगा हुआ है और फिर ये वायर वायर ये बल्ब से और स्विच जब ऑन करेंगे तब स्विच ऑन करेंगे तब इसमें बल्ब जलेगा तो देखते हैं कि कैसे चलेगा तो ये जो सेल है सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हम लोग बना लिए अब क्या है कि इससे वायर अटैच है वायर को हम लोग जूम करते हैं बहुत हाई मैग्निफिकेशन और उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं तो देखिए ये एक एटम अगर हम ले उसका तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये पॉजिटिव आयन हो गया उसका और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए अब इससे अटैच एक और एटम आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये छोटा छोटा दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये पॉजिटिव आयंस है हम लोग पहला वीडियो में इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं अब ये बैटरी क्या है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस टर्मिनल पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो माइनस को अट्रैक्ट करता है तो ये अट्रैक्ट होकर के यहाँ चला जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल करके क्या हो जाएगा जीरो तो इस पर नेट चार्ज हो जाएगा अब जीरो कोई चार्ज नहीं बचा ये पॉजिटिव हो जाएगा जीरो ये हो जाएगा इस पर जीरो चार्ज और इस पे ये ये जो इलेक्ट्रॉन्स था तो इस पे चला गया अब इस पे चार्ज नहीं बचा उसी तरह से अब ये, अब ये तो पॉजिटिव कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया अब ये चला जाएगा इस पर ये चला जाएगा इस पर और ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये चला गया इस पर ये हो जाएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया अब ये हो जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव अब कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया तो अब ये क्या करेगा कि बगल वाला से फिर इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अब यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहां ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव अब फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये कंप्लीटली पॉजिटिव फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहां और ये कंप्लीटली पॉजिटिव अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये पॉजिटिव है ना यह पॉजिटिव क्या करेगा नेगेटिव को अट्रैक्ट यहां यहाँ चला आएगा और ये कंप्लीटली पॉजिटिव अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के यहाँ चला आएगा और ये कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा अब इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए क्यू सपोज क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है टी ये तो एक दिखाया हुआ है ना एक एक प्लस करके ये तो मिलियन मिलियंस ऑफ एटम्स होगा अगर वायर का वायर का एक क्रॉस सेक्शन ऐसे काटते हैं तो यहाँ पर कटिंग पार्ट पर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम्स होगा तो वो बहुत सारा है एक दिखाया हुआ है समझने के लिए एक ही दिखाया है हम अब ये चार्ज क्या होगा कि चार्ज आगे बढ़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा अब मान लीजिए टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है एक्चुअली में फ्लो पार्टिकल का देखें तो इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है पीछे की ओर जिधर पॉजिटिव चार्ज का मूव मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है उसके चलते पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है पॉजिटिव चार्ज बन रहा है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जा रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जा रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप होते जा रहा है तो मान लीजिए कि टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है टी यूनिट टाइम में तो वन यूनिट टाइम में टी यूनिट टाइम में क्यू तो वन यूनिट टाइम में क्यू बाई टी और इसी को हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट एक यूनिट टाइम में जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्यू बाई टी क्यू बाई टी ये करंट फ्लो करंट कहते हैं इसी को और देखिए चार्ज फ्लो हो होने लगा अब यहाँ पर बीच में अगर हम बल्ब लगा दिए हैं यहाँ पर हम बीच में बल्ब कहीं लगाए हैं वो जैसे इसमें बल्ब लगाए हैं अगर बल्ब लगाए हैं तो होता क्या है कि देखिए यहाँ से वायर यहाँ से वायर इधर घूम करके ये भी वायर ही है ये बल्ब में भी टंगस्टन फिलामेंट देखते हैं ये भी वायर ही होता है तो ये जो घटना हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट ये बल्ब के थ्रू भी होकर के जाता है बल्ब के थ्रू होकर के गया फिर इधर से आकर के पूरा यहाँ पर कंप्लीट यहाँ तक जाएगा अब देखिए लास्ट में क्या होगा लास्ट में क्या होगा कि देखते हैं थोड़ा सा और यहाँ तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे यहाँ तक अब ये पॉजिटिव चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला आएगा और ये कम्प्लीटली पॉजिटिव बन जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन चला आया यहां पर अब फिर यह इलेक्ट्रॉन चला आएगा इस पर और ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आया अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा क्योंकि अट्रैक्ट होगा ना ये पॉजिटिव कंप्लीटली ये पॉजिटिव हो गया है ये यहां आएगा और ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा क्योंकि ये प्लस है और ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये हो जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव यहां इलेक्ट्रॉन आएगा अब ये ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया अब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा और यह कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा अब यह कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा और यह कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा अब फिर यह इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा और यह कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा अब ये ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये कंप्लीटली पॉजिटिव अब ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये कंप्लीटली पॉजिटिव अब इस पर जो इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अब ये यहां चला आएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा माइनस एक था तो यहां आया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा इस पर कोई चार्ज नहीं अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला है अब इस पर भी चार्ज जीरो और इस प्लेट पर भी चार्ज जीरो तो बैटरी का, का काम क्या है सेल का, का काम क्या है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल रिएक्शंस के चलते ये ये पॉजिटिव चार्ज केमिकल रिएक्शंस क्या करता है कि इस पर फिर से पॉजिटिव इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है और यहाँ फिर से निगेटिव अब फिर वही घटना सेम रिपीट होता है यहाँ से ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसको अट्रैक्ट करेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा फिर ये हो जाएगा चार्ज इस पर जीरो और इसी तरह से फिर सेम घटना रिपीट होगा सेम घटना रिपीट होगा और चार्ज फ्लो होता रहेगा चार्ज फ्लो होता रहेगा अब होगा क्या कि जितना बड़ा बैटरी होगा मतलब जितना इस पॉजिटिव जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा एक तरह से कहिए बड़ा बैटरी मतलब ज़्यादा प्लस और उतना ही ज़्यादा इधर इक्वल अपोजिट चार्ज इस पर हो होगा मैंने नेगेटिव चार्ज इस वाला प्लेट पर हो होगा इस वाला प्लेट पर जितना पॉजिटिव इस प्लेट इस पर उतना ही निगेटिव मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा तो बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बड़ा बड़ा बैट बड़ा सेल हो गया और बड़ा सेल मतलब ज़्यादा पावर का सेल हो गया कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर पाता है केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर जो हो रहा है तो वो कहेंगे कि कम पावर का सेल है तो सेल डिपेंड करता है अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन इस पर मत समझिए इस पर बहुत सारा फ्री क्योंकि एक ही एटम नहीं है यहाँ पर ढेर सारा एटम एक तो दिखाया हुआ है समझने के लिए तो ढेर सारा जितना आप, आप जितना ज़्यादा बैटरी जो बनाइएगा सेल उसमें केमिकल रिएक्शंस होकर के जितना ज़्यादा पॉजिटिव एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा निकलेगा और चूंकि एटम का कमी नहीं है बहुत मिलियंस ऑफ एटम है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा और उतना ही ज़्यादा चार्ज भी फ्लो करेगा तो आपका डिपेंड करता है चार्ज इस, इस चार्ज कितना फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में कितना फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है आपका आपका जो सेल लगाया है ना ये वाला सेल वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कित कितना ज़्यादा चार्ज इधर फ्लो करेगा जितना पावरफुल सेल रहेगा उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन करेगा, उतना फ्लो करेगा उतना ही क्योंकि फ्लो करे तो पॉजिटिव चार्ज हम देखें कि फ्लो कर रहा है तो डिपेंड करता है कि आपका जो सेल है सेल है वो कितना पावरफुल है मतलब पॉजिटिव प्लेट पर निगेटिव प्लेट पर कितना कितना पॉजिटिव निगेटिव है उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा तो ये इस तरह से हमारा जो बैटरी है ना वो काम करता है बैट इस तरह से बैटरी बैटरी क्या करता है हमेशा पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और निगेटिव प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेवलप करता है अब बल्ब जलता कैसे है तो बल्ब में भी ये, 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 ये चार्ज फ्लो किया अब क्या होता है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना जितना फ्री आपको ये मेटल में दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स ये सब ये सब इलेक्ट्रॉन्स ये सब इलेक्ट्रॉन्स जितना आपको फ्री दिख रहा है ना उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बल्ब के फिलामेंट में नहीं होता है बल्ब के फिलामेंट में उतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो जब मूव करता है इसका फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो बहुत टकराता है मतलब कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें इसका जब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है इधर तो मूव करते हुए करते वक्त जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा तो ये फ्रीली जा रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये फ्रीली जा रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फ्री फ्रीली जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फ्रीली जा रहा है यहाँ से आप फ्रीली यहाँ से आप फ्रीली ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते इसमें मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ज़्यादा कोलिजन नहीं होता बहुत कम होता है पर इसमें क्या है ये फिलामेंट में बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है इसके कारण हीट हो जाता है ये कोलिजन के चलते ये बल्ब का फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो कोलिजन के चलते ये हीट हो जाता है और हीट होने के चलते वो ग्लो करने लगता है तो इस तरह से बल्ब जलने लगता है तो ये तो हम लोग देखें कि बैटरी लगाए और वायर लगाए तो कैसे चार्ज फ्लो किया चार्ज फ्लो किया और उसके चलते बल्ब जला तो हम सवाल था इलेक्ट्रिक सर्किट की इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम मान लीजिए कि स्विच को हो, ये जो क्लोज किए हैं क्लोज ना करके ओपन रखते खुला तब ओपन रखते इस तरह से तो क्या चार्ज फ्लो करता क्या नहीं करता क्योंकि यह कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता जो इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ से यहाँ इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं करता क्यों क्योंकि यहाँ पर यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पर कैसे जाता नहीं जा पाता रास्ता नहीं है ना खाली गैप है इसीलिए हम स्विच जब क्लोज करते हैं तो तभी यहाँ से चार्ज फ्लो करता है स्विच क्लोज करने पर ही चार्ज फ्लो करता है और फिर बल्ब जलेगा तो सर्किट का मतलब क्या हुआ कि ए, ए, एक रास्ता है ए, एक क्या है रास्ता है चार्ज फ्लो करने के लिए एक रास्ता है रास्ता ओपन जब सर्किट ओपन होगा तब तो नहीं होगा रास्ता बन पाएगा रास्ता टूटा हुआ रहेगा तो तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या करते हैं ये रास्ता बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि क्लोज्ड पाथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए जैसे चार्ज फ्लो करने के लिए पाथ कैसा होना चाहिए क्लोज पाथ होना चाहिए तो ये और चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम जितना उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम आपसे पूछे तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है तो ये क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या है क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज पाथ लेकिन साथ में एक, एक चीज और जोड़ना पड़ेगा हमको कि ये क्लोज पाथ ठीक है एक बार ये चार्ज फ्लो कर गया तो नहीं इसमें ये कंटिन्यूसन्यूअस जब तक फ्लो करते रहेगा चार्ज, ये, ये, ये चार्ज जब तक ये पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है जब तक कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा तभी तक हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है तो क्लोज पाथ होने से केवल काम नहीं चलेगा साथ साथ क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस कंटी एंड क्लोज पाथ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट तो ये कैसा ये क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट ये पाथ है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता कैसा पाथ क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड पाथ तो है ओपन नहीं होना चाहिए स्विच जो दिख रहा है ओपन नहीं होना चाहिए क्लोज होना होना चाहिए होना चाहिए पाथ इलेक्ट्रिक करंट का और साथ में क्या होना चाहिए चार्ज फ्लो कंटिन्यूसार्जो होते रहना चाहिए कंटिन्यूस जब तक कंटिन्यूस चार्ज फ्लो होते रहेगा ना तभी तक हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और चार्ज क्यों फ्लो होता है हम लोग देख लिए कैसे फ्लो होता है यह देख लिए